जीना गोरा कोलवरी से भागा जाने वाले मुख्य मार्ग के बीचों बीच बागडीगी पुल बीती रात अज्ञान वाहन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको ले जनता मजदूर संघ, कुंती गुट, बच्चा गुट एवं जनता श्रमिक संघ के तमाम नेता एवं ग्रामीणों ने पुलिया स्थित आकर जमकर धरना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन विरोधी करने लगे। इसकी सूचना मिलते ही लोधना परियोजना पदाधिकारी अरुण कुमार पांडे, सिविल अभियंता मुकेश कुमार एवं सुरक्षा पदाधिकारी डीके मीना पहुंचकर पुलिया की मरम्मत कार्य में जुट गए। वहीं नेताओं का कहना है कि परियोजना विस्तारीकरण को ले लोधना प्रबंधन एवं आउटसोर्सिंग प्रबंधन की मिलीभगत के कारण आए दिन कभी रोड को लेकर तो कभी ब्लास्टिंग को लेकर सुर्खियों में देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुलिया दुरुस्त नहीं हुआ तो अगले आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करेंगे। बागडीगी पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है, इसको लेकर क्या संदेश देंगे? बागडीगी पुलिया बहुत 100 वर्ष पुराना पुल है, साइड में जो फेंसिंग है बहुत ब्रेक उसमें पहले से भी था, रात में वो गिर गया है। खबर मिला सवेरे से प्रबंधन तुरंत जो है उसको पहुँच के वहाँ पर फेंसिंग करा रहा है और कीचड़ जो था कीचड़ को कछवा दिया है, कछवा के जरा हुआ माल डाल के उसको लेन करा दे रहा है ताकि आने जाने में किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। और सिविल इंजीनियर को बुलाया गया है, जो टूटा पार्ट है उसको स्ट्रेंथनिंग करके बढ़िया से फिर से उसको बनाया जाएगा ताकि मजबूत रहे वो। सर अपना परिचय दे दें। के पांडे प्रोजेक्ट अफसर हम लोग। मुद्दा यही है यहाँ का कि रात में 8:30 बजे आउटसोर्सिंग का ग्रेडर रात में पुल को गिरा दिया कि पब्लिक को आने जाने में कठिनाई हो, यहाँ से पब्लिक उब हो करके यहाँ से भागने का इच्छुक हो जाए अपने से। आप कैसे कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग के रात में बच्चा लोग हमारा ट्यूशन से आ रहा था, उस टाइम 8:30 बज रहा था, हम उसको लेके जा रहे थे, उसी टाइम डोजर गिराए ग्रेडर। अभी क्या हो रहा है? अभी मरम्मती के लिए हम लोग घेराव किए हैं एजेंट साहब को, मीना साहब को, तो बोले हैं कि 1 घंटा में हम मरम्मती कर देंगे, वो भी डालेंगे अभी, फिर बाद में सिविल द्वारा इसको काम किया जाएगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहन पांडे हुआ, जनता श्रमिक संघ शाखा सचिव, योजना प्रबंधक और आउटसोर्सिंग कंपनी के मिली भगत से रात को 10-11 बजे करीब इस पुल को गिरा दिया गया है और यही पुल रास्ता है जो आने जाने के लिए सबका एक विकल्प रास्ता है, कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है और इसको पहले ही से गिरा दिया जा रहा है ताकि पब्लिक भाग जाए। अभी क्या मांग है आपने? अभी मांग है कि तत्काल स्कूल का निर्माण किया जाए तभी कंपनी चलेगी, नहीं तो बंद रहेगी। अपना परिचय दे दें। मैं गोपाल चौधरी, जनता श्रमिक संघ संयुक्त सचिव। बागडीगी पुलिया जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, जयरामपुर से लोधना मोड़ आने वाला रोड बीच में बागडीगी में एक पुलिया पड़ता है, वो काफ़ी दिन से जयरामपुर के लोग, जीनागढ़ा के लोग उस रोड से आते जाते हैं, उस पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है, उस पर प्रबंधन का ध्यान नहीं है, ऐसा लगता है कि वो पुलिया कभी भी फंस जाएगा, कभी भी बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। उधर से स्कूली बच्चे लोग आते हैं, स्कूल बस आता है, इसको प्रबंधन को जल्द से जल्द मरम्मत कराना चाहिए और तुरंत जांच होनी चाहिए कि वो पुलिया टूटा कैसे, किस गाड़ी से, या जानबूझ के हुआ या अपने से हुआ, इस पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या प्रबंधन को क्या अवगत कराना चाहते हैं पुलिया का? प्रबंधन को फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अवगत कराए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द काम करेंगे और इसको कार्रवाई करेंगे। अपना परिचय दे। अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव, जनता मजदूर संघ। है बागडीगी पुलिया टूटने का? बागडीगी पुलिया जो है ये हमारा जयरामपुर से झरिया, मतलब झरिया से 9 तिचरा तक का जाने का मुख्य मार्ग है, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है। आज वर्षों पुराना पुल को कल रात में ये कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा और अपना लोधना क्षेत्र के मैनेजमेंट के जो है जानबूझकर उसको तोड़ा गया, जानबूझकर उसको ध्वस्त किया गया है ताकि यहाँ से आने जाने वाले रास्ते को बंद किया जा सके और मैंने आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो कितने आबादी होंगे लगभग यहाँ? लगभग हम मैंने आपका इस रोड से जाने वाले लगभग आपके मोटा मोटी 10,000 से ऊपर आबादी है। और बड़े वाहन भी चलते हैं? बड़े बड़े वाहन चलते हैं, यही एक पुल है, समझ लीजिए यही एक रास्ता है जो कि हमको
पे धनबाद जाने का और झरिया लुधना मुड़ जाने का। अभी क्या मांग है प्रबंधन? हमारे प्रबंधक से मांग है कि इसको आप बनवाइए जल्द से जल्द, इमीडिएटली काम लगवाइए, नहीं तो हम लोग अगर आज काम नहीं लगता है मैनेजमेंट के द्वारा तो हम कल से कंपनी का चक्का जाम करने का बात। अपना परिचय दे। मेरा नाम रूपक कुमार सिन्हा, जनता मजदूर।